बैंगन के पौधों से सबसे अच्छे बैंगन आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है। अगर आपके पास पुराने बैंगन के पौधे हैं और अगर आप बीज लगाना चाह रहे हैं, मौसम कौन सा है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब दोस्तों के साथ कि इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चलें जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। बैंगन के पौधों की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये देखें मेरे पास पुराने पौधे हैं, जून का मंथ चल रहा है और आज जून की 6 तारीख है, तो इसकी मैं कटिंग कर दूँगा। मुझे जुलाई और अगस्त में ये पौधे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं और अगस्त और सितंबर में हमें ये बैंगन भी देना शुरू कर देंगे। तो ये देखें अभी आपको ये बिल्कुल सूखे सड़े लग रहे हैं, लेकिन इन ब्रांचेज़ के अंदर नमी मौजूद है, ये हरी भरी ब्रांचेज़ हैं, इन ब्रांचेज़ की हम कटिंग करेंगे। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें कटिंग मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ये जो आपने ग्रीन वाला हिस्सा है ये सारा कट कर देना है, और जहाँ पे ये ग्रे कलर का आपको हिस्सा दिखाई देगा, मतलब जो लकड़ी का कलर आपको दिखाई देगा ये वाला, यहाँ तक आपने इसको काट देना है। ये इसको काटने से ये होगा कि ये जितनी भी ब्रांचेस मैं यहाँ से काट रहा हूँ, यहाँ से ये पौधा हमारा दोबारा से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल बुशी टाइप और झाड़ीनुमा बन जाएगा और ये पूरा कंटेनर छुप जाएगा पौधे से, बैंगन के पौधे से। देखिए इसको हमने कटिंग कर ली, लेकिन कटिंग के बाद हमने इसको खाद भी डालनी होती है। तो खाद कौन सी हम डालेंगे, सरसों की खाद मैंने बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त और एक दिन में बन के तैयार हो जाती है, उसका लिंक ये ऊपर आ रहा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। तो जैसे आपने ये कटिंग कर दी, खाद इस्तेमाल करेंगे, आज खाद इस्तेमाल करेंगे तो 10 दिन बाद दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, खाद से ये होगा कि नई ब्रांचेज जल्दी से जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी। ये जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इन ब्रांचेज को भी आपने यहाँ से निकाल देना है। और ये पौधे की जो मेन स्टेम है इसको आपने बिल्कुल क्लियर कर देना है। ये देखें बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने मेन स्टेम को, जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं इसको भी हम निकाल देंगे यहाँ से, ताकि जो हमारी नई ब्रांचेज आएंगी ये उन ब्रांचेज को तंग ना करें। ये देखें ये एक छोटी सी कलम रह गई है और इसी कलम के अंदर से इंशाल्लाह नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे बात करते चलते हैं कि बेहतरीन मौसम है, आप जून के मंथ के अंदर इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग आपको ग्रीन नेट के नीचे छांव के अंदर बनाना पड़ेगी, वो उससे ये होगा कि आपको 2 से 3 घंटे धूप चाहिए और बाकी आपको छांव चाहिए। अगर आप सारा दिन की धूप में रखेंगे तो आपके जो पौधे छोटे छोटे से जर्मिनेट होंगे वो जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इस मौसम में इनको बचा जाते हैं तो इंशाल्लाह सितंबर के मंथ के अंदर आपको इतने इतने बड़े साइज़ के बैंगन मिलेंगे, और ये वाकई में इतने बड़े साइज़ के बैंगन मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगा, बैंगन की वीडियो ऑलरेडी हमने बैंगन को हार्वेस्ट किया हुआ है, उसके अंदर भी मैंने खादों और पूरी डिटेल बताई हुई है, और इसी कंटेनर के अंदर वो हमारे पौधे लगे हुए थे। और इसकी सीडलिंग आप कब तक कर सकते हैं, आप इसकी सीडलिंग जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इजीली इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। कोशिश करें कि सितंबर से पहले कर लें, अगस्त के मंथ के अंदर आपकी सीडलिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए, और अगर अभी से करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपको बहुत ज़्यादा बैंगन मिलेंगे। यहाँ पे बात आती है कि सीडलिंग इसकी किस तरीके से की जाती है, तो सीडलिंग कैसे की जाती है, पनीरी को ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, ताकि आप दोनों वीडियोस को देख सकें, सीडलिंग कैसे करते हैं, पौधों को ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, ताकि आप भी जून के मंथ के अंदर या जुलाई के मंथ के अंदर बैंगन के बीजों को लगा सकें। अगर बैंगन के बीजों को हाइब्रिड लगाएंगे तो बैंगन बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाले हैं, अगर देसी बीज लगाएंगे तो बैंगन इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन देसी बीज का अपना ही एक जायका होता है बैंगन का, तो वो भी आप लगा सकते हैं। इसके लिए कंटेनर साइज़ कितना चाहिए, कंटेनर का साइज़ 20 इंच का होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये जो हमारे पास जो साइज़ पड़ा हुआ है
ये यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है और नीचे से ऊपर तक तकरीबन 13 से 14 इंच बनता है। तो ये साइज़ है, इस साइज़ के अंदर भी बैंगन बहुत अच्छे जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इससे 15 से 16 इंच भी कर सकते हैं, बड़े बास्केट भी कर सकते हैं। तो ये बास्केट आपको कबाड़िया से इजीली मिल जाएंगे। इनके नीचे ड्रेनेज होल करना बहुत लाजमी होते हैं। इनको कंटेनर किस तरीके से बनाया जाता है, तो कंटेनर की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। बैंगन के पौधों के मतलब आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछिएगा, और मेरे फेसबुक भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मेरी छोटे छोटे से क्लिप आया करेंगे, तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके भाई का हौसला बरकरार रहे और आपके लिए इतनी अच्छी और मुफीद इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँ। तो मिलते हैं इसी बात से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।